गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो दैट्स अ वीडियो नॉट अ ब्लॉग। तो गाइस अभी मैंने अपने लिए एक न्यू फोन परचेज किया है मोटो जी 40 फ्यूजन जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस फोन का रिव्यू देने वाला हूं, बट इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। सब कुछ बताऊंगा इस फोन के बारे में, कैमरा, स्टोरेज, प्रोसेसर, बैटरी और फुल डिटेल्स देने वाला हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इन्होंने बैक कवर लगा के दिया बट टैम्पर नहीं लगा हुआ है। और बॉक्स में बात करें तो इन्होंने दिया एक यूएसबी और एक 20 वोल्ट चार्जर और एक सिम पिन और दिया एक वारंटी कार्ड और वही मैनुअल जो कॉमन होता है बॉक्स की तरह। अगर लुक वाइज बात करें फोन की तो फोन बहुत अच्छा है, देखने में भी हर एंगल से पीछे से बहुत ज्यादा अच्छा फोन लग रहा है देखने में। तो मुझे तो ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, मस्त फोन है एकदम। मुझे फोन में सबसे अच्छा लगता है कैमरा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरे की। तो अगर इसके बैक कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल क्वाड पिक्सल कैमरा है। सबसे टॉप वाला है 8 मेगापिक्सल पर माइक्रो प्लस वाइड एंगल, और सेंटर वाला कैमरा है 64 मेगापिक्सल। क्या ही बताऊं वैसा कैमरा। ये देखिए गाइस मैंने सुबह क्लिक की थी और कितनी अच्छी क्वालिटी आई है। नाइट व्यू भी बहुत अच्छा और क्लियर आ रहा है। और लोअर वाला कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, मतलब आपका टोटल देखा जाए तो ये है 72 मेगापिक्सल का आपका बैक का कैमरा और यूजली एक फ्लैट। और इसकी कैमरा क्वालिटी एकदम फाड़ू है, आप क्लिप्स देखिए। और ये वीडियो की क्वालिटी भी देखिए कितनी अच्छी आई है, ये मैंने वाइड एंगल से बनाई थी और कितना क्लियर दिख रहा है सब कुछ। और फ्रंट कैमरा भी कम नहीं है, वो भी 16 मेगापिक्सल है, वो भी मस्त है। मुझे ब्लॉगिंग के लिए तो फ्रंट कैमरा ज्यादा यूज करता हूँ, तो बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है कैमरे की। तो अब स्टोरेज की बात करें तो इसकी रैम है 6GB और रोम है 128GB, जिसको इंटरनल स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि बहुत सही है। इसका आपको 4GB रैम और 64GB रोम भी मिल जाएगा, बट मुझे यही सही लगा तो मैंने ये परचेज किया। तो अब प्रोसेसर की बात करें तो इसका प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, ये है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। इसका प्रोसेसर कितना फास्ट है, आप खुद देखिए कितना स्मूथ चल रहा है फोन। अगर आप गेम खेलते हैं तो गेमिंग के लिए भी फोन बहुत ही अच्छा है, आपकी गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करेंगे, फोन हीट नहीं होगा, हैंग नहीं करेंगे। तो आप बड़े बड़े मतलब हाई जीबी गेम्स भी खेल सकते हैं और बहुत ही स्मूथ चलेगा। देखिए कितना स्मूथ चल रहा है गेम, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है और बहुत ही फ्रीली चल रहा है, और क्वालिटी भी बहुत ही मस्त आ रही है गेम की। और इसकी बैटरी तो है ही माशाल्लाह, 6000 mAh की बैटरी है जो फुल चार्ज होने में 54 आवर्स चल सकती है। और इसका जो चार्जर है वो देखने में छोटी चीज है बट है बहुत काम की चीज, 20 वॉट टर्बो पावर चार्जिंग देता है, वो अप्रॉक्स 1.5 आवर लेता है फुल चार्ज होने पे। तो लास्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्राइसिंग। तो ये फोन मुझे पड़ा है 16,500 ओनली। तो गाइस इस बजट में इससे अच्छा फोन आपको नहीं मिल सकता, मैंने बहुत
ढूंढा, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा फोन है। इस बजट में आप गारंटी इससे अच्छा फोन नहीं मिल पाएगा। आप ये फोन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आप लोगों को फोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है आदि नवाबी, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।